इसार नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग हाँसी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मदन महाराज की 49वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। आपको यही बता दें कि इस अवसर पर युवाओं ने काफी संख्या में भाग लिया और रक्तदान किया। एक रक्तदाता को चक्कर भी आ गए, लेकिन तुरंत ही उसे होश भी आ गया। तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग का हाँसी पहुंचने पर युवाओं के द्वारा यहां भव्य स्वागत किया गया है। इस शुभ अवसर पर अशोक गर्ग नगर निगम कमिश्नर ने लोगों का धन्यवाद किया और समाज सेवियों को हौसला बढ़ाने का काम भी किया। आखिर आपको यही बता दें कि इस अवसर पर नगर परिषद के टिप्पर चालक भी पहुंचे। उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर के समक्ष अपनी समस्या रखी। आपको यही बता दें कि टिप्पर चालकों ने कहा कि हमें तनख्वाह नहीं मिली और ठेकेदार ने हमें तनख्वाह नहीं दी। इस पर लेकर अशोक गर्ग ने कड़ा एक्शन लिया है। जो कमिश्नर है नगर निगम के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस भी ठेकेदार ने इनकी पेमेंट नहीं दी उससे पेमेंट वसूली जाए, फोन किया जाए, अगर नहीं देता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये जो खबर है आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है गुरु श्री मदन नाथ जी की याद में। मेरा तो हमेशा से ये रहता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इससे बड़ी भगवान की कोई भक्ति नहीं हो सकती और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। यहाँ पे जो लोग आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इनके द्वारा डोनेट किया गया ब्लड कि अब तक कितने लोगों की जान बचाएगा, तो असली धर्म है, असली भगवान की सेवा है। इसके लिए मैं इस ब्लड डोनेशन कैंप के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इससे सब लोग प्रेरणा लेंगे। और जैसा कि हमने देखा कि लोग ना 30-30वीं बार ब्लड दे रहे हैं, 25वीं बार कोई ब्लड दे रहा है, तो उससे साबित होता है कि ब्लड देने से, खून देने से शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती, हफ्ते 10 दिन में रिकवर कर जाता है। हम सब लोग ब्लड दें, खूनदान करें, ताकि खून की कमी से किसी की मृत्यु ना हो। जैसी इस सड़क का हाल है वैसा पूरे शहर में हो तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। सर एक अगर इस प्रोग्राम के बाद में अगर मुनासिब हो एक राउंड थोड़ा शहर में लगा लिया जाए तो सर। देखिए आज तो मेरा प्लान नहीं है शहर में राउंड लगाने का, इसके लिए स्पेशल आऊँगा कि सर पूरा टाइम देंगे यहाँ से। बिल्कुल पूरा दिन ये सही है सर, लेकिन एक बार अगर आप एक छोटा सा एक राउंड लगा लें सर, कोई भी एक सड़क ऐसी बता दें जो साफ हो या जो खुदी हुई ना, कोई भी सिंगल एक सड़क। देखिए वो तो हो सकता है लोकल लेवल पे क्या काम चल रहा है, किसी महकमे का काम चल रहा होगा, बाकी मैं राउंड ले लूँगा, जाता हुआ राउंड ले लूँगा। आज मैं ये प्लान करके नहीं आया कि आज सड़कों का राउंड लेना है, तो बिना प्लानिंग के यहाँ पे सड़कों का राउंड लूँगा, वहाँ पे लोग दफ्तर में होंगे। तो सर फिर कब अपना ये प्रोग्राम बनाया? एक हफ्ते के अंदर एक नई सड़कें बनती है उसके बाद फिर उसको तोड़ा जाता है दोबारा बनाने के लिए, ये वजह क्या रहती है? पहले पाइपलाइन क्यों नहीं सर बात नहीं गलत बात है ऐसा लेकिन जनता भी परेशान है उधर से। या तो अपने पास बजट की मात्रा ज़्यादा है सर कि पहले उसको बना दिया दोबारा फिर तोड़ के फिर बना रहे हैं सर। नहीं गलत पहले है, पिछली आप मुझे बोलने दोगे? जी सर जी 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 आप बोल लीजिए पहले। नहीं नहीं सर बोलिए सर बताइए सर। जी बोलिए सर, आप पूछ रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं पहले से? सर आरोप के माध्यम से ही पूछ रहे हैं सर। आरोप के माध्यम से पूछ रहे हैं तो आप तो पहले से मन बनाए बैठे हैं, तो पूछने का फायदा कुछ नहीं सर। ऐसे ही है, हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा जिससे हम ये सवाल पूछें। क्यों? आज पहली बार हम आपसे ये रूबरू हुए हैं सर इस बारे में। नहीं मैं तो मेरा दफ्तर सवेरे 9 बजे से 1:30 बजे तक, मेरे दफ्तर का दरवाज़ा बंद नहीं होता है। आपके यहाँ से कभी पत्रकार गए हैं तो इस चीज़ के गवाह भी नहीं, इसीलिए हम आपसे मैंने पर्ची सिस्टम भी लागू नहीं किया हुआ, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। तो आप पत्रकार हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कौन अधिकारी है और वहाँ उनसे मिलने का समय क्या।
श्री बालाजी कृपा निदान मंडल संस्था की तरफ से संस्था के संस्थापक श्री 1008 गुरु मदनाथ जी की जयंती पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और गुरु जी का हमेशा से ये रहा था कि भाई जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाए, गरीब लोगों के काम आया जाए, उन्हीं की जो भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हम ये तीसरा विशाल रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और करीब 100 यूनिट यहाँ पे आज जो डोनर हैं देने वाले हैं ताकि जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा सके।